नमस्कार दोस्तों, उम्मीद सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय मीत हुड्डा की, तो मीत हुड्डा सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। मीत हुड्डा ने साफ साफ खुले शब्दों में बोल दिया है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और मेरे बच्चे को ऐसे कैसे एडॉप्ट कर सकती है शगुन। जी हाँ दोस्तों, शगुन की फिर से एंट्री हो चुकी है और शगुन ने चीकू को एडॉप्ट किया है और अब बोलती हुई नज़र आ रही है कि मैं मीत हुड्डा तुम्हें इतने खून के आंसू रुलाऊंगी कि तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारा बच्चा अब मेरे हाथ में है, मैं जैसे चाहे वैसे कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसको लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में एडॉप्ट कर लिया है, जिसके बाद में मेरा इस बच्चे पर पूरा राइट्स है और तुम्हारा कोई भी राइट्स नहीं है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि असली कहानी का ट्विस्ट, असली मज़ा तो अब आना स्टार्ट हुआ है कहानी में। जहाँ पर बात की जाए इस समय एपिसोड की, तो एपिसोड में बोलती हुई नज़र आने वाली है इस समय शगुन कि मीत हुड्डा तूने मैं मुझे रुलाया, अब मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सरकार इस समय शगुन का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार खुद चाहते हैं कि जैसे हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, हमारे बेटे को हमसे छीन लिया है इस मीत हुड्डा ने, हम वैसे ही इसका बेटा चीकू को इससे छीन लेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी वाकई में एक बार फिर से दिलचस्प ट्विस्ट पर आ टक चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। आप लोग जानते ही हैं कि चीकू की जो ममता है वो किसी और में नहीं बल्कि इस समय मीत हुड्डा में है। लेकिन दोस्तों आखिरकार वो बच्चा करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी आँखों की रोशनी भी जा चुकी है। और आप लोग जानते हैं कि आँखों की रोशनी जाने के बाद में इस समय शगुन साफ साफ बोलती हुई नज़र आ रही है कि इसका मैं ही कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मीत हुड्डा तुम्हारी हिम्मत नहीं है इसके पास में आने की भी। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है।